प्रदेश के लखीमपुर जिले की घटना है। गोल्ड लोन कंपनी की शाखा से रतनलाल मायूस लौट रहे हैं। मायूसी की वजह उनके हाथ में लटक रही पोटली में रखा सोना है। दरअसल हुआ ये कि बेटे को कुछ काम धंधा शुरू कराने के लिए पत्नी के कुछ जेवर लेकर रतनलाल गोल्ड लोन लेने पहुंचे। ये सोना उन्होंने पिछले साल 1,20,000 रुपए में खरीदा था। सुनार ने उन्हें बताया था कि इसमें 20,000 रुपए का मेकिंग चार्ज है और 1,00,000 रुपए का शुद्ध सोना। अब रतनलाल तो ये हिसाब लगाए बैठे थे कि सोने का भाव लगभग वही है और 75% भी लोन मिला तो 1,00,000 रुपए के सोने पर 75,000 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन गोल्ड लोन शाखा के कर्मचारी ने तो कुछ और ही गणित समझा दिया। कुल गुणा गणित का निष्कर्ष ये था कि 40,000 रुपए का ही कर्ज मिल पाएगा। रतनलाल अकेले नहीं है जो सोने के गहने खरीदने में ऐसी गलती करते हैं। देश के अधिकांश छोटे शहरों, कस्बों और गांव में आपको रतनलाल जैसे अनेक लोग मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि रतनलाल जैसे लोग आखिर ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो पहली गलती है, सुनार ने नग शीशे को भी सोने की कीमत में जोड़ दिया। गहनों का भार करते समय सोने के साथ साथ नग शीशे का वजन भी तोल दिया। कीमत सोने की लगाई जबकि वो शुद्ध सोना था ही नहीं। ज्वेलरी की रकम ज्यादा थी लेकिन सोना कम। दूसरी गलती, हॉलमार्किंग का चक्कर। हाल के दिनों में सरकार ने हॉलमार्किंग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 950 हॉलमार्किंग सेंटर हैं, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी देश में जरूरी बुनियादी ढांचे की तुलना में बहुत कम है। तो होता ये है कि गांव, कस्बों या छोटे शहरों में दुकानदार थोड़ा लालच देकर बिना हॉलमार्किंग की ज्वेलरी ही बेच देते हैं। तीसरी गलती, पक्का बिल ना लेना। देश में सोने की 60% मांग गांव से आती है। गांव कस्बों में गहनों की खरीद भरोसे पर की जाती है। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, ठीक वैसे ही फैमिली सुनार। यही भरोसा कई बार भारी पड़ जाता है। ज्वेलर्स टैक्स बचाने की लालच में बिल देने से कतराते हैं और ग्राहक सस्ता सोना मिल जाने की लालच में बिल लेने से बचता है। लेकिन यहाँ बात केवल टैक्स की ही नहीं होती, ऐसा करने पर कई बार शुद्धता से भी समझौता करना पड़ता है। रतनलाल की तरह आपको भी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसके लिए करें क्या? तो भाई जागते रहें और केड़िया कम्युनिटी के प्रमुख अजय केड़िया की ओर से बताए गए सुझावों का पालन करें। गहने हमेशा हॉलमार्किंग के साथ खरीदें। बिना हॉलमार्क कोई गहने ना खरीदें। जितने कैरेट के पैसे दे रहे हैं सुनिश्चित कर लें कि गहनों में उतना सोना लगा हो। शुद्ध सोना, नग, शीशा आदि की गणना ठीक से कराएं। पक्का बिल जरूर लें। ऐसा करने पर आप अपने साथ हुई धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। आमतौर पर ब्रांडेड और बड़े शोरूम से ज्वेलरी खरीदने पर आप इस तरह के जोखिम से बच सकते हैं। एक और जरूरी सलाह, निवेश के लिए गहने ना खरीदें। सोने में निवेश के लिए गोल्ड बॉन्ड, ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे निवेश विकल्पों पर विमर्श करें। गोल्ड लोन का विकल्प आपको बॉन्ड और ETF पर भी मिलता है। सोना खरीदें या गहना, सीखिए सही फैसला लेना मेरे साथ गोल्ड सेंट्रल में, सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।